हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ आवर न्यू टॉपिक डेथ ऑफ अ पार्ट। स्टूडेंट्स, प्रीवियसली वी हैव डन पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो। नाउ दिस इज द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके प्रोविजंस क्या होंगे? यस स्टूडेंट, फर्स्ट, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप हमारी एंड हो जाती है अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऐसा हमारा प्रोविजन है। बट द फर्म मे कंटिन्यू ऑफ इट बिजनेस विद द रिमेनिंग पार्टनर हु टेक शेयर ऑफ दी डिसीज। डिसीज मतलब यहां पर जो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, डिसीज पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इन द रेशियो एज डिसाइडेड बाय देम। नॉर्मली तो पार्टनरशिप हमारी एंड हो जाती है अगर किसी पार्टनर की डेथ होने पर, बट अगर ऐसा प्रोविजन है हमारी डीड में या कंटिन्यू पार्टनर अग्री है तो वो इस फॉर्म को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके, विद ओल्ड प्रॉफिट, मतलब जो हमारा डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को टेकअप कर लेंगे कंटिन्यू पार्टनर। किस रेशियो में? अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। या कोई नया रेशियो टेकअप करते हैं एट एज डिसाइडेड बाय द कंटिन्यू पार्टनर और एक फॉर्म को कंटिन्यू कर लेंगे। गेट इट? ओके, द नेक्स्ट, द अकाउंटिंग प्रोसेस। जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस होता है डेथ का, दैट इज वेरी सिमिलर टू रिटायरिंग पार्ट, वेरी सिमिलर। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर सेम एज गुडविल, प्रॉफिट, रिजर्व्स, ऑल द टॉपिक्स आर सेम। लाइक अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। द डिफरेंस between there are two situations which are different in the retirement of a partner or death of a partner. Students, what these are? First, retirement of a partner is voluntary, it can be planned. But bachcho, koi vyakti, koi partner apni death ko plan nahi kar sakta. Death cannot be planned. Retirement liya jata hai on 1st April of any year, 1st April, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि वो प्लान होता है। बट डेथ ऑल ऑफ सडन होती है तो वो साल के बीच में कभी भी हो सकती है, ओके, तो इट कैन नॉट बी प्लान। दिस इज द मेजर डिफरेंस इन पार्टनरशिप, रिटायरमेंट और डेथ। सेकेंड, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। जब अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो जितना भी ड्यूज आएगा वो हम रिटायरिंग पार्टनर को ही दे सकते हैं, because वो हमारे लिए अवेलेबल है। बट ड्यू अमाउंट इज पेड टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। पर डेथ ऑफ अ पार्टनर में वो हमारे पास है ही नहीं हमारा पार्टनर, तो जितना भी उसका जो ड्यूज होगा वो उसके एग्जीक्यूटिव को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके हेयर्स को दिया जाएगा। गेट इट? सो दीज आर द सम प्रोविजंस। Okay, now adjustment required to be made at the time of death of a partner. Death of a partner में कौन-कौन से adjustment हैं which are required? First, change in profit sharing ratio. एक partner के जाने पर जो हमारे continuing partner हैं उनके ratio में क्या change आता है? Adjustment for goodwill. Deceased partner को भी उसके हिस्से की goodwill credit की जाएगी, which will be compensated by continuing partner, same as we have done in retirement. Adjustment for revaluation and reassessment of liabilities. Hamari assets and liabilities ko revaluate karne mein, reassessment karne mein, jo bhi profit and loss hota hai, determining the amount due to deceased partner. Phir hum calculate karenge ki jo deceased partner hai uska total dues kitna hai. After calculating these all things, हम उसका dues calculate करेंगे। But बच्चों, हम
रिटायरिंग पार्टनर को कुछ भी पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। तो जितना भी उसका ड्यूज आएगा स्टूडेंट, वो पे किया जाएगा उसके लीगल हेयर को, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको किया जाएगा। ठीक है, सो पेमेंट टू द डिसीज्ड पार्टनर लीगल हेयर। नाउ स्टूडेंट, दीज ऑल अवर पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन डिटेल्स, बिकॉज दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर चला जाता है और डेथ में भी एक पार्टनर चला जाता है। बस डिफरेंस होगी, हमने पढ़े पहले वाले वीडियो में एक प्लान है और एक अनप्लान है, बट ये जो प्रोविजंस हैं, ये जो एडजस्टमेंट हैं, दे आर सेम एज द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हम सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स में अभी लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, एंड देयरफॉर डिस्कस ब्रीफली इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट टॉपिक, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो शेयर होगा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर टेकअप कर लेंगे। ओके, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का शेयर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। दैट इज रिटन एज अ रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर मे चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर एंड देयर गेयरिंग रेशियो आर डिटरमाइंड। कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा? रिमेनिंग पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग शेयर है एट द टाइम ऑफ डेथ, उनका जो एग्जिस्टिंग शेयर है उसमें हम प्लस कर देंगे डिसीज पार्टनर का शेयर, जो पार्टनर क्या कर रहा है, टेकअप कर रहा है। अगर ये पार्ट एग्जिस्टिंग शेयर में ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंटिन्यू पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ऐसा हमने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट्स। और गेनिंग रेशियो कैसे आएगा बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयर में से माइनस कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। सी, डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में भी हमें डिसीज पार्टनर को उसके उसका शेयर ऑफ गुडविल देना होगा। व्हाई? क्योंकि द डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल बिकॉज गुडविल वॉज अर्न बाय द फर्म व्हेन ही वॉज पार्टनर। हमने ये जो गुडविल अर्न करी है, जो हमारे गुडविल आज हमारी गुडविल है हमारी, वो हमने अर्न करी है जब डिसीज पार्टनर हमारा पार्टनर था और वो एफर्ट्स दे रहा था, तो इस गुडविल में उसका भी शेयर है, तो हमें उसे गुडविल देनी होगी, उसको अकाउंट क्रेडिट करना होगा। सो एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि हमने रिटायरमेंट में सीखा था, इन दैट गेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट द डिसीज पार्टनर बाय पेइंग गुडविल इन देयर गेनिंग रेशियो। इसमें भी जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है जो गेन कर रहे हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे डिसीज पार्टनर को, और रिटायरमेंट वाले चैप्टर में किसको किसको कॉम्पनसेट करते थे, रिटायरिंग पार्टनर को। तो सेम है, इसके एंट्री में हम देख सकते हैं एक बार, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, और नेक्स्ट टॉपिक है इन डेथ ऑफ अ पार्टनर इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, एज वी हैव डन दिस टॉपिक आई थिंक इन ऑल द चैप्टर्स, इन चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो अगेन, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म रिवैल्यूएट देयर एसेट्स एंड रीअसेट देयर लायबिलिटीज, एंड डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गेन दैट इज अराइज अपटू द डेट ऑफ डेथ, एंड ही विल बी बेयर द लॉस दैट मे हैव बीन इनकर्ड अपटू द डेट ऑफ डेथ। So, deceased partner is also entitled on profit or loss on assets and liabilities. उसको भी ये हिस्सा, उसका शेयर दिया जाएगा अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लाइक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो सेम एंट्री दैट वी हैव डन इन रिटायरमेंट चैप्टर, सेम एंट्री विल पास इन डेथ ऑफ पार्टनर। Assets are revalued and reassessed the liabilities and gain or loss determined by passing general entries
और मेकिंग अकाउंट एज पर गिवन इन द क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, फिर हिज शेयर इन द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड अगर प्रॉफिट है और डेबिटेड इफ लॉस टू हिज कैपिटल, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और अगर लॉस हो रहा है तो उसके शेयर से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। यस, नाउ अनदर टॉपिक, रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमने अपनी पुरानी वीडियोस में हर चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस किया कि डेथ के समय अगर हमारी बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व गिवन है, रिजर्व लाइक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, सो दीज आर द रिजर्व्स, अगर ये डेथ के समय हमारी बैलेंस शीट में है या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इन सब के लिए हमारा क्या ट्रीटमेंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर में, सो दीज रिजर्व एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। व्हाट आर द फिक्टिशियस असेट्स? दैट इज deferred revenue expenditure, that is advertisement suspense account, or the debit balance of P&L is also considered as a fictitious asset. बच्चों, अगर ये death of a partner के समय हमारी balance sheet में given है, तो हम इसे क्या कर देंगे? मतलब भाई reserves और profit के लिए partner का account credit कर देंगे, और losses और fictitious assets के लिए partner का account debit कर देंगे, deceased partner. Yes, in their profit sharing issue. फिर the partners may decide to continue these balance. और अगर partner in reserve और profit and loss को distribute करना नहीं चाहते, they want to continue showing in the further balance sheet. In this situation, deceased partner's capital account is credited or debited with a net effect. First, we will calculate the net effect. जैसा कि हमने change in profit, addition, retirement सब में सीखा है. सारे रिजर्व्स और प्रॉफिट लॉस को ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे डिसीज पार्टनर को, और अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो हम डेबिट कर देंगे, दैट एडजस्टमेंट एंट्री वी हैव टू पास, और कंटिन्यू पार्टनर वाइस वर्सा हो जाएंगे, अगर कैपिटल अकाउंट पार्टनर का क्रेडिट हो रहा है तो डिसीज पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, और अगर डिसीज पार्टनर डेबिट हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर क्रेडिट होंगे वाइस वर्सा। यस, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस